हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। GTFY के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही चाहूंगा कि अपन ने किया सोनेट को लीजन माफिया के पास से चुरा लिए थे, और मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या आपको विटारा ब्रेजा और किया सोनेट का कंपैरिजन वीडियो देखना है। तो भाई आप में से काफी लोगों ने कमेंट करके बोला था, तो यस। तो भाई फाइनली इन दोनों कार्स का आज अपन एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट करने जा रहे हैं। भाई एक तरफ है अपनी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, तो भाई दूसरी तरफ है ये किया की ब्रांड न्यू सोनेट जो अभी तक भाई रिलीज भी नहीं हुई है। और भाई इसकी फर्स्ट ड्राइव लेके तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई गाड़ी काफी ज्यादा जबरदस्त है। अपने माइकल दादा के पास से गाड़ी आ गई है भाई, बहुत ही अच्छे। माइकल दादा इसके पहले ओनर ऑफिशियली बन चुके हैं भाई, क्या बात है। इस बात के लिए एक लाइक जरूर कर देना। वैसे अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो पसंद आने के बाद भी इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे भाई। आने वाले वीडियोज के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो भाई देखो, अभी अपने पास ब्रांड न्यू किया सोनेट और विटारा ब्रेजा, इन दोनों की आज अपन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। माउंट चिलाट की तरफ ही करने वाले हैं, लेकिन कुछ जो रास्ते होने वाले हैं दोस्तों डिफरेंट होने वाले, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा बोल रहे थे कि भाई ये जो ब्रेजा है ना, ब्रेजा की भी ऑफ रोड टेस्टिंग नहीं हुई और ना ही किया की। तो भाई इन दोनों की साथ में कर लेता हूं मैंने सोचा, तो चलो आज इन दोनों कार्स की ऑफ रोड टेस्टिंग अपन कर लेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सी ज्यादा बेहतर है। वैसे बेहतर है वो तो आप लोग डिसाइड करोगे, ये डिसाइड मैं नहीं करने वाला, आप लोग देखेंगे तो भाई आप ही लोग डिसाइड कर लेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर गाड़ी कौन सी है। तो चलो यार, सबसे पहले अपन निकलेंगे अपनी किया सोनेट में, ये चलाएंगे अपने माइकल दादा, क्योंकि भाई ऑफिशियली अब ये गाड़ी माइकल दादा की हो गई है। वो पहले बात अलग है कि पहले वो लीजन माफिया की थी, लेकिन अब ये माइकल दादा की है, चुराने के बाद अपनी हो जाती है ये गाड़ी। तो चलो चलते हैं यार ऑफ रोडिंग की तरफ। वैसे अगर मैं आपको आज का रूट दिखाऊँ तो रूट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अपन हमेशा सीधे रास्ते से जाते हैं, पीछे का रास्ता जो है, लेकिन आज जिस रास्ते से जा रहे हैं वो वहाँ पे एक्चुअली रास्ता ही नहीं है। वो जो रास्ता है ना दोस्तों, वो एक्चुअली में माउंटेन बाइकर्स के लिए रहता है, मतलब जो साइकिल वगैरह चलाते हैं ना माउंटेन बाइक, उनके लिए होता है वो रास्ता, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो ये रास्ते के जरिए आज अपन जाने वाले। तो यार देख कि यार ये किया सोनेट किस तरीके से परफॉर्म करेंगे यार, वो तो आप तो देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोनों कार्स का एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट भी होने जा रहा है, और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब ये कार्स के लिए तो रास्ता बना ही नहीं है, ये सिर्फ माउंटेन बाइक के लिए रहता है जो रास्ता साइकिल्स के लिए। लेकिन भाई अपनी कार यहाँ पर आराम से बड़े चल जा रही है, और इस गाड़ी को चला के एक बात तो मुझे कन्फर्म पता चल गई कि इसमें जो पावर है ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाँ, लेकिन कभी कभी जो पावर है ना वो ज़्यादा एकदम अच्छा नहीं होता, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है उससे गाड़ी। और भाई अभी सामने देख सकते हो कुछ इस तरीके से पहाड़ी है, अब इसके ऊपर से मुझे एक ही तरीका है, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। और भाई साहब क्या बात है, कितनी स्मूथ जंप मारी, लगा नहीं था कि इतनी बढ़िया स्टेबिलिटी होंगी, लेकिन क्या बात है, इसने जंप मार के अपने आप को प्रूव कर दी कि यार बहुत अच्छे से ये लैंड कर दी इसने, क्या बात है। चलो आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा और अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रोड का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस किसी तरह चला रहा हूँ, जहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत भी जगह है मैं वहाँ पे लेके चल जा रहा हूँ। अभी देख सकते हैं अपन काफ़ी ऊंचाई पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ऊंचाई पे एक्चुअली पहुँच भी रहे, लेकिन भाई देख रहे हो ओ भाई 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 पत्थरे वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। और भाई ये रास्ता तो इतना ज़्यादा छोटा है कि मतलब देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसको पगडंडी कहते हैं यार। वैसे पगडंडी आप में से कितने लोगों को पता है भाई, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ये थोड़ा सा अलग ही वर्ड है। ओ भाई ओ, ये थोड़ा पत्थर आ गया था सामने भाई साहब, अभी यार अच्छे खासे ऊपर आ गए भाई, मुझे तो पता नहीं चला यार ये रास्ता तो एक अच्छा खासा ऊपर लेके आ गया अपने को। देखो भाई नीचे, ओ बाप रे, स्लिप हो रही स्लिप हो रही। ओ नहीं 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 नहीं, ओ शिट भाई बच गई, थोड़ा स्लिप होना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी गाड़ी ने अच्छे से अपने आपको हैंडल कर लिया यार, होता है ऐसा कभी कभी, हर बार ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियों को बुरा बोला जाए, होती है कुछ कंडीशंस। तो चलो अभी और आगे चलते हैं, और भाई अपन बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा। ये गाड़ी परफॉर्मेंस में तो बहुत ही अच्छी, इसका जो पावर है ना दोस्तों, पावर के मुकाबले में सबसे अभी तक की सबसे पावरफुल गाड़ी लग रही है। किया वालों ने सच में कमाल कर दिया है भाई ऐसी गाड़ी बना के, मतलब भाई बहुत ज़्यादा पावर इसमें आउटपुट मिल रहा है मुझे बस। लेकिन अगर कमी लग रही है तो थोड़ी कंट्रोलिंग की, मतलब इसको कंट्रोलिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब अगर ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा लेके जा रहे हैं इसको, तो उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से दोस्तों देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे स्लो ही चला रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड में ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ। वैसे भी यार यहाँ पे कौन सी 100 की स्पीड रखने की अपने को, अभी तक तो इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की। और भाई देखो थोड़ा सा फिर फिसली, फिर फिसली थोड़ा सा, फिर फिसली थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कम एक्सेलरेट देता हूँ भाई, ताकि ये एकदम से आराम से निकल जाए ऊपर की तरफ। अदरवाइज़ अगर दोस्तों अपन ऐसे टाइम पे अगर यहाँ पे पथरीले रास्तों पे अगर अपन ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, मतलब एकदम क्लच जो एक्सेलरेटर है अपना एकदम दबा देते हैं ना, तो भाई क्या होता है फिर आपको पता है, चक्के स्लिप कर देते सीधा, इसीलिए मैं यहाँ पे हाफ एक्सेलरेट देके चलाता हूँ, ठीक है। और भाई देख सकते, ओ भाई ये जंप से मुझे सुरक्षित रहना पड़ेगा भाई, अभी गाड़ी सीधा नीचे होने वाली थी लेकिन बच गई, बहुत बुरी तरीके से बची दोस्तों, देख सकते हो आप
वैसे यार आप में से फेवरेट गाड़ी कौन सी आपकी यार, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब यार किया सोनेट आपको अच्छी लगी या फिर आपकी ब्रेजा ही फेवरेट है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे ब्रेजा की ऑफरोडिंग टेस्टिंग अभी बाकी है, इस गाड़ी के बाद अपन वही टेस्ट करने वाले हैं। और भाई देखो अपन काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई एक मिनट भाई साहब, यहाँ से अपने शहर का व्यू कितना चौड़ा दिख रहा है। वहाँ पे इतने में एक ड्राइवर भाई साहब का घर भी है भाई, कितना ज़्यादा छोटा दिख रहा सब कुछ। चलो निकलते हैं यार यहाँ से, देख लिया अपन ने व्यू को, अच्छा व्यू है यार। चलो आगे चलते हैं भाई, कसम से यार। ओ भाई ये सामने बंदे की हो गए, हट जा भाई हट जाओ। अरे भाई बंदे हट जा, ये देखो ये इन लोगों को मैं हॉर्न दे रहा हूँ भाई, हट जा भाई। और ये देखो इन महाशय के तो अलग ही विचार है, देखो देखो देखो। ओ भाई भाई देख रहे हो कैसे भाग रहा है गाड़ी के सामने, भाई साइड हो जा, कुचल दूंगा भाई मैं। मैंने जानता नहीं तू किसकी ड्राइविंग स्कूल से कोर्स किया है अपना। हट गया बेचारा, देख ये बात सुनते से ही दोस्तों वो हट गया। हाँ क्या बात है। चलो भाई अभी अब दोस्तों अभी अपन ऊपर तो सक्सेसफुली चढ़ गए, अब बारी है डाउन हिल की। यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग एक्चुअली में कितनी अच्छी है। अभी तो मेरे को ऊपर चढ़ते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब मालूम पड़ेगा भाई। ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा, अब भी मालूम पड़ने वाला है कि इसकी ब्रेकिंग में कितनी दम है, क्योंकि भाई डाउन हिल में ही मालूम पड़ता है कि गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है। फिर भी मैं जितना हो सके यहाँ पे गाड़ी को अपनी स्लो रखने की कोशिश करूँगा भाई, मुझे यहाँ पे कोई रेस ड्राइवर बनने का शौक नहीं है। और सामने अपने भाई कोगर है, एक्चुअली ये भी शेर के खानदान से अपने। तो चलो भाई ये टर्न्स देख रहे हो भाई, कितने अच्छे तरीके से ले रही है गाड़ी, इतने ज़बरदस्त टर्न्स भाई मैंने कभी किसी गाड़ी को लेते हुए नहीं दिखा, सिवाय स्कॉर्पियो के। स्कॉर्पियो भी भाई बहुत ज़बरदस्त टर्न्स लेती है ऑफ रोडिंग में, अब तो स्कॉर्पियो तो भाई ऑफ रोड किंग ही है भाई। और भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्या तारीफ़ कर दिया भाई, किया किया तुम तो भाई सर पे चढ़ गए, लेकिन फिर भी अभी अब डाउन हिल देखते हैं। अभी वैसे तो अभी और अभी अभी नॉर्मल कर रही है भाई ये। और भाई देख रहे हो भाई साहब, ये तो डाउन हिल मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं। ओ भाई ओ शिट शिट भाई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि सामने वहाँ पे कब जंप थी। गाड़ी को अच्छा हो भाई कुछ भी डैमेज नहीं आया, वो तो शुक्र मनाओ भाई, अपन ने लास्ट टाइम अपन ने इसको आर्मर अपग्रेड करवा दिया था, अदरवाइज ये गाड़ी का सामने का बम्पर पूरा गया था यार। अभी फिर से बच गई यार, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हो गया था यार। और वैसे अभी आप नीचे की तरफ नज़र डालो यार, देखो देखो यहाँ से सब कुछ कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ओ भाई यहाँ से तो भाई मज़ा ही आ रही चलाने में। ओ यहाँ से भाई रास्ता थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरा सर चकरा रहा है एक्चुअली में। क्या आप लोगों को भी चकरा रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो मैं कैमरा एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ भाई, जैसे आप लोग बोलते हैं कि कैमरा एंगल मत चेंज करा करो, लेकिन यार मेरा तो बिना कैमरा एंगल चेंज करे ही सर चकरा रहा है, क्योंकि गोल 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 घूम रहा है यार। और भाई मुझे लगता है भाई फाइनली बस अपन पहुंचने वाले हैं नीचे, भाई बस मेरा सर चकरा रहा। ओ भाई ये क्या भाई, बच गई, ये तो शायद माउंटेन बाइकर्स के लिए ये रास्ता अपना नहीं है, ये इस साइड से अपना रास्ता। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यार एक्चुअली, माउंट जिलेट के इतने रास्ते कंफ्यूजिंग है ना, और मैं ज़्यादा यहाँ पर ड्राइव करता नहीं हूँ भाई, जब भी बस अपन कोई नई गाड़ी लाते हैं ना तो बस यहाँ पे उसकी ऑफ रोडिंग करना ही चाहते हैं, इसलिए रास्ते बड़े कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है यार। ओ भाई चलो बस बस पहुँच गए अपन, और ये बात अपन पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने रोड की तरफ, और भाई आ गए मेन रोड पे। ओ भैया तो बारह सिंगा है यहाँ पे, तो अच्छे खासे जानवर दिख रहा ही दे रहे हैं यहाँ पे। तो बस भाई पूरा ऑफ रोडिंग कर लिए फाइनली, अभी थोड़ा सर चकराना बंद हुआ दोस्तों। यार मेरा मतलब इतने ऊपर से चढ़ रहा था ना, तो फिर नीचे नीचे उतरने के बाद मेरा सर चकराने लग गया दोस्तों, क्योंकि पूरा गोल गोल था यहाँ पे। तो चलो भाई फाइनली फाइनली अपने यहाँ पे दोस्तों ऑफ रोडिंग कम्प्लीट होती है किया सोनेट की। अब बारी है अपने ट्रेवर भाई साहब की, जो चलाएंगे विटारा ब्रेजा। देखते हैं अपनी ब्रेजा किस तरीके से परफॉर्म करती है, किया सोनेट तो तुम्हेश्वरी करी। तो चलो भाई अभी अपनी ब्रेजा चलाएंगे ट्रेवर भाई साहब, अब इसकी भी ऑफ रोडिंग टेस्टिंग होने वाली है। अपने इंडिया की बहुत प्यारी लवेबल एसयूवी है भाई, इसका तो एक अलग ही फैन बेस है भाई, और मुझे भी पर्सनली विटारा ब्रेजा बहुत पसंद है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी दोस्तों अभी आने वाली है, वैसे तो अभी इसका फेसलिफ्ट ही हुआ है, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आएंगी तब की तो बात ही कुछ और होंगी। नेक्स्ट जनरेशन के लिए रियली एक्साइटेड हूँ मैं, लेकिन इसका फेसलिफ्ट भी यार कुछ कम नहीं है। फेसलिफ्ट इसका मैं लाऊंगा भाई, इंपोर्ट करवाएंगे अपन। वैसे अभी दोस्तों जो फेसलिफ्ट है ना, काफ़ी नया मॉडल है, स्टॉक में नहीं आया है वो। जैसे इसका दोस्तों फेसलिफ्ट आएगा ना, वैसे उसके बाद दोस्तों अपन फेसलिफ्ट को भी ला लेंगे। इतने लोगों को यार इसका फेसलिफ्ट देखने का है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, अगर ज़्यादा डिमांड रहे ना इसका फेसलिफ्ट अपन ज़रूर लाएंगे। वैसे यार अगर अपन ट्रेवर भाई साहब की बात कर ही रहे हैं, तो ये बात तो अपने को जानना ज़रूरी है कि ट्रेवर भाई साहब एक इंडियन हैचबैक इंपोर्ट करने वाले हैं,
आपको पता है कि एक ही चीज़ बात है कि भाई वो ट्रेवर भाई साहब की पसंद अभी फ़िलहाल सुजुकी की कार्स की है, तो जो सुजुकी की कार है ना भाई, तो वो सुजुकी की कार ही, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि एक और ट्रेवर भाई साहब इंडियन हैचबैक इंपोर्ट करने वाले हैं जो सुजुकी की है, ठीक है, मेड इन इंडिया। तो समझ सकते हो भाई कौन सी होंगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी उसकी कि भाई वो इंपोर्ट करो, वो इंपोर्ट करो, वो कार इंपोर्ट करो, तो भाई फाइनली अभी उसको अपन इंपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि वो गाड़ी स्टॉक में आ चुकी है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वो कौन सी गाड़ी हो सकती है। मैं तो बस हिंट दे सकता हूँ भाई, सरप्राइज़ मज़ा ख़राब नहीं करने का अपने को, है कि नहीं। और अब दोस्तों फिर से उस पर जंप करने की बारी आ गई, और भाई साहब इसने भी अच्छा ही परफॉर्म करी, लेकिन जब ब्रेजर चला रहे हैं ना तो मुझे पावर की कमी थोड़ी महसूस हो रही है। पावर की कमी भले ही महसूस हो रही है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इसकी हैंडलिंग, इसकी स्टेबिलिटी और इसका कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये जो गाड़ी है ना, इसको मैं हाई स्पीड पर भगा रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस ऐसा लूज़ नहीं लग रहा, मुझे एकदम आराम से भगा सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी है ना और जो कंट्रोलिंग है इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो किया के मामले में मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी, मतलब क्या उसको थोड़ा एकदम स्पीड में लेके जा रहे थे तो अपना कंट्रोल लूज़ कर दे रही थी, लेकिन इस गाड़ी में वैसा नहीं है। जो ब्रेज़ा है ना भाई, आप देख सकते हो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा, मैं इसको स्पीड में भगा रहा हूँ और इसकी कंट्रोलिंग बार बार मैं से इधर उधर हो जा रही है, लेकिन ये रास्ते पर ज़रूर आ जा रही है। तो वही डिफरेंस दिखा दोस्तों मुझे, देखो यहाँ तक मैं 100 पे अचीव कर पा रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल अच्छे से हो जा रही है, अच्छे खासे तरीके से कंट्रोल हो रही है भाई ये। ओ भाई देखा, 2 चक्कों पर आ गई थी अभी ये। बस बॉक्सी कार्स कार्स का बस वही थोड़ा फॉल्ट रहता है कि भाई अगर ज़रा सा भी अपन ने ज़्यादा मोड़ने की कोशिश की है तो 2 चक्कों पे आ जाती है वो। सेम विथ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो तो भाई कभी कभी 3 चक्कों पे रहती, कभी कभी भाई बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें। और भाई ये देख रहे हो अभी अभी तो फिलहाल ब्रेज़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बस मुझे पावर की थोड़ी कमी लग रही है एज़ कम्पेयर टू किया, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, देख सकते हो आप सस्पेंशन वगैरह। ओ भाई 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 ये देखो, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया अपना, लेकिन देखो इसकी हैंडलिंग मुझे बड़ी पसंद आई, मतलब फटक से, मतलब अपने कंट्रोल से बाहर हुई थी 1 सेकंड के लिए, लेकिन 1 सेकंड के अंदर कंट्रोल में भी आ गई। ब्रेकिंग, ओ भाई ये क्या हो गया, टक्कर मार दी अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है होता है। 4 स्टार क्रैश टेस्ट में रेटिंग मिली है भाई इसको, ऐसी ऐसी गाड़ी नहीं है भाई, किसी टक्कर से कुछ नहीं होने वाला अब मुझे पता है भाई, लेकिन भाई इस गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग मिली है भाई, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी गाड़ी है ये। ब्रेज़ा इज़ लव, कितने ब्रेज़ा के फैंस एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अभी देख रहे हो भाई अच्छा खासा ही परफॉर्म कर रही है गाड़ी, और सारे गड्ढे वड्ढे आ गए। और ये सामने क्या है भाई, सामने ये क्या चीज़ है भाई, काला काला, ओ भाई साहब सामने तो एक लकड़बग्गा है, लकड़बग्गा, हाँ लकड़बग्गा है। और भाई ये गाड़ी की एक बात अच्छी लग रही है, मतलब इसमें मुझे मतलब कहीं पर भी ऐसा स्लिप नहीं मारी है गाड़ी ने, कहीं पर भी स्लिप नहीं कर रही है। किया भी अपनी सोनेट भी थोड़ी स्लिप इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा एकदम एक्सेलरेट दे रहा था और पावर उसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसकी वजह से चक्के थोड़े व्हील स्पिन हो रहे थे। लेकिन देखो इसमें तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए यार ब्रेज़ा में, मालूम भी नहीं पड़ा कब पहुँचे, लेकिन भाई फिर भी बहुत ज़बरदस्त थी ये भी गाड़ी। चलो अब इसकी भी बारी है डाउन हिल की, अब भाई मेरे को मेरा फिर से सर चकराने वाला है दोस्तों। ओ भाई ये बंदे फिर से सामने आ गए, ओ भाई हाइकिंग वालों हटो, हट जाओ, हट गए। अब मेरा दोस्तों फिर से चकराने वाला है सर, तो 1 लाइक दबा दो भाई, अभी फिर से सर चकराने वाला है भाई। क्या है अगर आप लाइक करोगे ना तो हो सकता है मेरा सर का दर्द कम हो जाए भाई, अभी अभी बहुत भयंकर तरीके से। अब देख लो भाई, भाई अभी यहाँ पे पूरी सीधी गाड़ी है, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी ब्रेज़ा की थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें सोनेट की जैसे अपने को ब्रेक नहीं मारना पड़ रहा, थोड़ी सी डिफरेंट ब्रेकिंग है दोस्तों इसकी। अरे भाई इसको तो मैं रोक रहा हूँ चला रहा हूँ, रोक रहा हूँ चला रहा हूँ, बस एक बात अच्छी है कि एक्सेलरेशन थोड़ा सा इसका काबू में रहता। ओ भाई ओ नहीं 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 ये गाड़ी भी वैसी चे भाई, अगर यहाँ से गिर गए ना तो सीधा पानी में। ओ ओ भाई ये देखो देखो, ये थोड़े से टर्न्स लेने में मुश्किल जा रही है इस गाड़ी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छी चले रही है, ऐसी कोई अपन बुराई नहीं करते दोस्तों गाड़ी की। मैं जानता हूँ भाई हर कोई बंदा किसी ना किसी गाड़ी का फ़ैन रहता है, और भाई मैं कभी किसी के गाड़ी के बारे में बुराई नहीं करता मैं, क्यों मुझे सारी कार्स पसंद है भाई, ऐसा नहीं कि भाई कोई सेपरेट गाड़ी का एक ही गाड़ी का फ़ैन हो भाई, नहीं अपने को सारी कार्स ही पसंद है भाई। ओ भाई यार थोड़ा सा मैं, ओ भाई ये देखो जंप मारी यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हैंडल कर ली जंप को, बहुत अच्छे से हैंडल करी यार, बहुत ज़्यादा अच्छे से। वैसे यार कल अपन, कल या परसों की बात है यार दोस्तों, अपन जाने वाले एक सुपर बाइक देखने के लिए, एक्चुअली वो सुपर बाइक कहना थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, स्पोर्ट्स बाइक, अपन एक स्पोर्ट्स बाइक देखने जाने वाले हैं, इंडियन स्पोर्ट्स बाइक,
तो अभी भाई अब आपको पता ही है अपने इंडिया में भाई स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा उतनी कुछ है नहीं, है कुछ दो चार गिनी चुनी। तो उसमें अपन ने KTM तो नहीं है, क्योंकि KTM अपने पास RC है, अपने पास ड्यूक है, अपने पास कवासा की निंजा 400 है। तो भाई क्या चीज़ मिसिंग है इतना बता दूंगा मैं भाई कि वो लाल कलर की है। तो भाई आओ भाई एक मिनट रुको यार 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 यार, ये यहाँ पे व्हील स्पिन खा रही थे, कोई व्हील स्पिन हो रही? नहीं 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 सामने खड्डा है यार, पीछे रिवर्स। बहुत सही बहुत सही, देखो स्लो एक्सेलरेशन दिया ना तो बराबर पीछे हो गई। वही अगर मैं दबा के रख रहा था ना दोस्तों एक्सेलरेटर को, तो यार एकदम पूरे उसके व्हील स्पिन हो रहे थे। तो मैं कह रहा था दोस्तों एक गाड़ी है जो उसके CC तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भाई अब मैं बोलूँगा उसको लगभग 300 CC की। तो एक 300 CC की बाइक है भाई, आप लोग बताओ कौन सी होंगी वो, अपने देखने को जा रहे हैं। और भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि उसको अपने को कौन से कलर में ख़रीदना भी चाहिए, क्योंकि यार मुझे अब मुझे पता चल गया कि आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हो भाई कि मैं कोई भी बाइक का हिंट भी दे देता हूँ ना, कोई भी कार या बाइक का, तो यार आप लोग उसको गेस तुरंत कर लेते हो भाई। मतलब लिटरली किया को तो इतने फटाक से गेस कर लेते ना, कीटा किया सोनेट को, तो भाई इसको भी गेस कर लेना भाई कौन सी होंगी, क्योंकि यार भाई मज़ा आता है भाई जब आप ऐसे गेस करते हो, भाई मालूम पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी है, तो भाई एक एक्साइटमेंट लेवल आसमान में चले जाता। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वो गाड़ी कौन सी है, फिर अपन उसको ही ख़रीद लेंगे भाई। और किसके लिए ख़रीदनी चाहिए ये भी बता देना, ट्रेवर भाई साहब, माइकल दादा या फिर फ्रैंकलिन भैया, ठीक है? इन तीनों में से किसके लिए ख़रीदनी चाहिए अपने को स्पोर्ट्स बाइक, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और भाई बस ये सारे अपन पहुँच चुके हैं भाई, पूरी गाड़ी अपन ने ऑफ रोडिंग वगैरह कर लिए दोस्तों, जबरदस्त भाई जबरदस्त मज़ा आ गई दोनों गाड़ी की ऑफ रोडिंग करने के लिए। लेकिन सर यार पूरे तरीके से घूमने लग गया, क्योंकि भाई डाउन हिल के टाइम पूरा गोल गोल रास्ता था, ये तो होता ही रहता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पहुंच चुके हैं दोस्तों अपन नीचे के साइड में, और वो देखो भाई सामने अपने माइकल दादा। ओ भाई मेरी गाड़ी तो नीचे ही घूम गई पूरी, वो देखो माइकल दादा की सोनेट वहाँ पे खड़ी है, तो मैं इसको पीछे ले लेता। ओ भाई आखिरकार एक बंदे को लगा ही मेरी गाड़ी से, जानते जब से सामने आ रहे थे भाई ये सब लोग। तो चलो भाई हो गया अपना काम ख़त्म दोस्तों, आज बढ़िया ऑफ रोडिंग रही। और अरे अरे भाई ये बंदा फुकट में मार रहा, चल तेरी ऐसी की तैसी ले ले भाई, बिन फालतू का पीछे पड़ गया था यार जब से, तो हाइकिंग के बीच में आ रहे। तो चलो भाई आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, भाई चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही GTFI के बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता ही रहूँगा भाई। कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी गाड़ी है, और कौन सी गाड़ी की ऑफ रोडिंग आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी, चाहे वो किया सोनेट हो या विटारा ब्रेजा। और भाई आप अगर ये कौन सी कार को इम्पोर्ट होते हुए देख जाते हो एक बार, ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े वीडियो लेके आता रहूँगा। और भाई अपने अगर मेरा नया चैनल चेक नहीं किया है जिसका नाम है फाइव फायर गेमिंग, उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर चेक कर सकते हो, उस पर भी मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता ही रहूंगा। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।